मंत्री जी और रेल मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं कि जब हमारे देश की पहली रेल शुरू हुई तो मुंबई से थाना तक पहली रेल चली और मैं थाना डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, मेरा लोकसभा क्षेत्र भिवंडी है। पहली रेल मुंबई से थाना चली और पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई चल रही है, लेकिन वो थाना होके जा रही है। कहीं ना कहीं इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसलिए हमारे थाना का जिक्र भी उसमें आ रहा है। हमारे साथी अरविंद सावंत जी ने यहाँ पे कहा कि इस रेल का क्या फायदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद वो जानते नहीं है, मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ वो लोकसभा क्षेत्र का नाम भिवंडी है। भिवंडी टेक्सटाइल का सबसे बड़ा हब है और सूरत भी टेक्सटाइल का हब है। भिवंडी का और सूरत का टेक्सटाइल का कनेक्शन है। हम अगर भिवंडी से बाय प्लेन हमको सूरत जाना है या अहमदाबाद जाना है तो भिवंडी से 2 घंटा मुंबई जाने के लिए लगता है। अगर ये बुलेट ट्रेन शुरू होती है तो हमारे भिवंडी के साथ ही सूरत जाने के लिए 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और इनको कारोबार करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वहां पे जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जो बुलेट ट्रेन आ रही है ये बुलेट ट्रेन का फायदा टेक्सटाइल के व्यापार के लिए बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं मैं रेल मंत्रालय को धन्यवाद दूंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में आजादी के 70 सालों से कुछ डिमांड लोग कर रहे थे, जैसे कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक मुरबाड़ तहसील आता है, कल्याण से मुरबाड़ तक की रेल की मांग 70 सालों से चल रही थी, लेकिन 70 सालों में वो पूरी नहीं हो पाई। हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के आशीर्वाद से, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने हमारी कल्याण से मुरबाड़ तक की रेल ये मंजूर कर दी, उसको एलोकेशन भी कर दिया। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से विनती करूंगा कि इसको जल्द से जल्द गति देके, इसका डीपीआर भी हुआ है, इसका काम शुरू करने के लिए टेंडर निकालने का काम आपके माध्यम से मैं विश्वास विनती करता हूँ जल्द से जल्द करे। मैं हमारे अरविंद सावंत जी ने और एक जिक्र किया था नाना शंकर शेठ जी का, जो नाना जिन्होंने भारत की पहली रेलवे मुंबई से थाना चलाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो मेरे लोकसभा क्षेत्र मुरबाड़ तहसील से ही आते हैं। उनका जन्म मुरबाड़ में हुआ था और उनके गांव में रेल जाने के लिए आजादी से लेकर आज तक 167 सालों में वहां पे रेल नहीं जा पाई, इसलिए ये रेल मंत्री रेलवे मंत्री जी से मेरी विनती है कि नाना शंकर शेठ जी को अगर सही मायने में श्रद्धांजलि देनी है तो मुरबाड़ की रेल ये जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए और लोगों को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। मेरे लोकसभा क्षेत्र में बदलापुर स्टेशन है, वहां पे होम प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, लेकिन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जब से वहां पे ट्रेन आई है तब से उसके ऊपर आधा ही ऊपर से शेड है, वो पूरा सेट करने के लिए मैं रेलवे मंत्री